नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। बीएड को प्राथमिक में शामिल किए जाने के बाद से ही लगभग सभी राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा था। बहुत से राज्यों ने बीएड को प्राथमिक में शामिल करने से इनकार कर दिया था और बहुत से ऐसे राज्य थे जिसमें से उत्तराखंड प्रमुख रूप से उभर करके आया था, जिन्होंने बीटीसी अभ्यर्थियों को बीएड पर प्राथमिकता दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अगर बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी नहीं होंगे, उसके बाद ही जा करके वहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों का प्राथमिक में चयन होगा। अब इसी राह पर एक और राज्य चल पड़ा है और उन्होंने भी अपने शिक्षक भर्ती नियोजन में बीएड को दूसरी वरीयता और बीटीसी को प्रथम वरीयता देने के लिए प्रावधान कर दिया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार राज्य की। बिहार में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लगभग 1 लाख शिक्षकों के भर्ती नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें प्राथमिक स्तर के लगभग 64,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। अब वहाँ पर बीटीसी अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जा रही है, यानी कि बीटीसी अभ्यर्थी ना मिलने की कंडीशन में ही बीएड अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। इसी के संदर्भ में आप पेपर में एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सीट खाली रहने पर ही बीएड वालों को मौका, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को प्राथमिकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग जल्द ही जारी करेगा आदेश, और पटना से ये न्यूज़ निकल करके आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 63,951 शिक्षकों की बहाली में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। दोस्तों, जो कुछ भी मैंने बातें बताई हैं यहाँ स्पष्ट तौर पर लिखी गई हैं, तो यदि आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करते हुए आराम से पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।